वेलकम टू माई चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाई फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल बंस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है बंस को बनाना घर पे। इसको बनाएंगे हम कढ़ाई में। इन बंस को बनाने में ना तो आपको ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ओवन की। कढ़ाई में बहुत ही अच्छे से बिल्कुल स्पॉन्जी और सॉफ्ट हम बंस बनाएंगे। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बंस बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल। उसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पर 1.5 कप मैदा। मैं यहाँ पर 1.5 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरे 5 बंस आराम से बन जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक। इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून चीनी, पिसी चीनी डाली है मैंने। 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डाला है मैंने इसमें बेकिंग सोडा। उसके बाद ये है 1/3 कप दही, लेकिन हम इसको अभी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। दही बहुत ही ज़रूरी है बन में डालना, क्योंकि हम ईस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम 3 चम्मच ये वेजिटेबल ऑयल। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, तो अब हम डो लगा लेते हैं यहाँ पे बंस का। तो मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको भी कहूँगी कि आप दूध से ही बंस का डो लगाएं, क्योंकि जब बंस बेक होते हैं तो उसके बाद बहुत ही बढ़िया कलर आता है दूध की वजह से बंस में, और सॉफ्ट भी बहुत बनते हैं बंस। तो यहाँ पर अब दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे और इसका एक हमें अच्छा सा डो लगा के तैयार करना है। जो डो लगाएंगे हम वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाएंगे, डो हम थोड़ा लूज़ ही रखेंगे, क्योंकि बंस का डो यहाँ पर लूज़ ही लगता है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा ये डो है काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है। इस तरीके का डो हमें लूज़ सा लगा के तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे कि इस बाउल को कवर कर देंगे। तो मैं कवर कर देती हूँ इसको, और इसको अब हमें फर्मेंटेशन के लिए रखना है। कम से कम आप यहाँ पर 1 घंटे के लिए डो को छोड़ेंगे, क्योंकि जितना बढ़िया इसका फर्मेंटेशन होगा उतने ही बढ़िया हमारे बंस बनके तैयार होंगे। तो 1 घंटे के लिए हम रेस्ट करने रख देते हैं बंस को। अब यहाँ पर कर लेते हैं हम बेकिंग ट्रे तैयार। तो यहाँ पर मैं इस ट्रे का यूज़ कर रही हूँ बेकिंग के लिए। इसको हमें ग्रीस करना है, तो हम थोड़ा सा तेल डाल के ब्रश से अच्छे। 1 घंटे का टाइम हो चुका है, डो हमारा बहुत अच्छे से फर्मेंटेड हुआ है। ये देखिए कितनी बढ़िया फर्मेंटेशन हुई है डो की, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का डो हमें बंस बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि डो जितना बढ़िया फुला होगा उतने ही फुले फुले और सॉफ्ट बंस हमारे बनेंगे। तो अब हमें बहुत ज़्यादा नहीं गूँथना है, बहुत ही हल्के हाथ से हम लोई बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसकी लोई बना के तैयार करेंगे, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर लोई पे नहीं देना है, बस हल्का हल्का इसी तरीके से हम इसको राउंड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये बन बना के तैयार कर लिया है। जो ट्रे हमने तैयार की थी उसमें इसी तरीके से रखते जाइए, और बस इसी तरीके से हम अपने सारे बंस तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है बंस को घर पे बनाना। बस थोड़ा इसका फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत सही होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी हो गई है तो फिर बंस इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बंस बना के तैयार कर लिए हैं। तो टोटल बंस बने हैं मेरे यहाँ पर 7 तैयार बंस में। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर लगाएंगे तेल। तो जो ये बंस हैं हमारे, इनके ऊपर की तरफ आप इस तरीके से ब्रश से अच्छे से तेल लगा दीजिए। अभी हमें इन्हें वापस फर्मेंटेशन के लिए छोड़ना है, क्योंकि ये अभी बहुत फूलेंगे। तो यहाँ पर हम वापस कवर करेंगे पूरे टिन को। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको कवर कर लेती हूँ। आप प्लेट या किसी भी चीज़ से, कपड़े से अच्छे से कवर कर लीजिए, और जितनी बढ़िया इसकी वापस फर्मेंटेशन होगी, फिर वापस हमारे जो हैं बंस बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो इनको हम वापस फिर 1/2 घंटे के लिए छोड़ेंगे फर्मेंटेशन के लिए। अच्छे से पैक कर लेते हैं, और 1/2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इनका साइज़ जस्ट डबल हो जाएगा। बंस को जब तक हमने फर्मेंटेशन के लिए छोड़ा है, तब तक हम अपनी कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं, क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं बंस, तो कढ़ाई को प्रीहीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है कढ़ाई में, और ये नमक मैं हर बार बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। आप भी बेकिंग के लिए एक अलग से नमक रख लीजिए और बार बार उसी का यूज़ करिए। इस तरीके से हम फैला देंगे नमक को कढ़ाई में, और लो फ्लेम पर हमें 10 मिनट तक कढ़ाई को प्रीहीट
हीट करना है। बहुत अच्छे से कढ़ाई प्री हीट होगी तभी हमारे बंस बहुत अच्छे से बनेंगे। आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं कि बंस जो हैं हमारे साइज़ में डबल हो चुके हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके डो पे कि आपका डो किस तरीके से लगा है। अगर आप सारे मेज़रमेंट इसी तरीके से लेते हैं तो डो हमारा बहुत अच्छे से फर्मेंटेड होगा। अगर डो अच्छे से फर्मेंटेड हुआ है तो बंस हमारे ऑलरेडी ही बहुत अच्छे से बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे बंस तैयार हैं फूल के। अब क्या करेंगे, हम इनके ऊपर लगाएंगे दूध की कोटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दूध की कोटिंग लगाना, क्योंकि जब बंस बेक होते हैं तो इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आता है। आपने देखा होगा बेकरी के बंस, उनमें कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आता है। बिल्कुल इसी तरीके का गोल्डन ब्राउन कलर हम घर पे भी बेक करते हुए बंस में लाएंगे। तो अच्छे से कोट कर लेंगे और तैयार है यहाँ पर हमारी ट्रे बेक होने के लिए। कढ़ाई भी हमारी बहुत अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रीहीट होके तैयार हुई है कढ़ाई। अब इसके अंदर रख देंगे हम इस तरीके से, कोई भी स्टैंड या बर्तन रखने वाला आप स्टैंड रख सकते हैं या कटोरी रख सकते हैं आप, और उसके ऊपर इस तरीके से हम अपनी ट्रे रख देंगे या टिन रख देंगे जिसमें हमने अपने बंस रखे हैं। अब कढ़ाई को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है और मीडियम फ्लेम पे हम 35 से 40 मिनट तक जो है बंस को बहुत अच्छे से बेक होने देंगे। तो कवर कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेते हैं। 30 से 35 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे बंस हमारे एकदम परफेक्ट रेडी हैं बेक होके। तो अभी इसमें थोड़ा सा काम है, हम क्या करेंगे कि जो हमने दूध बनाया था इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इनका कलर, ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आया है, बिल्कुल इसी तरीके का हमें कलर चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर दूध की कोटिंग लगा देते हैं जैसे हमने पहले लगाई थी। और उसके बाद हमें क्या करना है, दूध की कोटिंग लगाने के बाद कि 10 मिनट तक गर्म कढ़ाई में बिल्कुल इसी तरीके से हम छोड़ देंगे बंस को। और एक गीला टॉवल लेंगे हम, थोड़ा सा वो गीला होना चाहिए। उसके बाद हम जो बंस हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। जब बंस बेक होते हैं तो उनके ऊपर की जो स्किन होती है बहुत हार्ड हो जाती है। आप इस तरीके से अगर गीले टॉवल से कवर करते हैं तो उसकी जो स्किन है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम बंस को कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, बंस मैंने कढ़ाई से निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बंस का जो कलर है पहले से और गहरा हो गया है। तो इस तरीके से 10 मिनट के लिए आपको कवर करके रखना है टॉवल से, क्योंकि गीला टॉवल अगर आप इसके ऊपर रखते हैं तो जो बंस है हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और इनका कलर भी और ज़्यादा निखरता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि जो बंस है हमारे कितने बढ़िया सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हुए हैं। ये देखिए लग रहे हैं बिल्कुल बेकरी जैसे। तो दोनों साइड से देखिए आप कितने अच्छे से कढ़ाई में बेक हुए हैं, ना किसी ओवन की झंझट ना ही ईस्ट का चक्कर। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं बंस को विदाउट ओवन और विदाउट ईस्ट के। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जब तक आप रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो बनाइए आप और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा आप कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।